दोस्तों आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में जब भारतीय तेज गेंदबाज उमरान मलिक का नाम पुकारा गया तो कुछ देर तक सभी टीमें खामोश रही थी, लेकिन तभी कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से 75 लाख रुपए की बोली लगी और तुरंत फैसला हो गया कि उमरान मलिक अगला सीजन कोलकाता के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि अब उन्होंने अगले सीजन को लेकर काफ़ी उत्साह जताया है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंके जाने के बारे में भी बड़ा बयान दिया है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उमरान मलिक का कहना है कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा बनकर काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहे हैं और उन्होंने केकेआर मैनेजमेंट का धन्यवाद भी किया है और उम्मीद जताई है कि कोलकाता अगला सीजन अपनी ट्रॉफी को सफलतापूर्वक डिफेंड कर पाएगी। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि उमरान मलिक ने साल 2021 में हैदराबाद के लिए खेलते हुए अपना आईपीएल डेब्यू किया था और उन्होंने कैरियर में हैदराबाद के लिए 26 मैच खेले हैं और 29 विकेट चटकाए हैं। वहीं दोस्तों उमरान मलिक ने विश्वास जताया है कि आईपीएल 2025 में वो कहर बरपाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि वो आईपीएल 2025 में खूब सारे विकेट चटकाएंगे। मैं केकेआर के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं और रफ्तार से मेरे अंदर रोमांच भर जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं 160 की स्पीड तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन विश्वास है कि 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए काफ़ी सारे मैं विकेट चटकाने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी लोग हमें कमेंट में बताएं कि कोलकाता के लिए खेलते हुए क्या उमरान मलिक आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने में कामयाब होंगे और केकेआर के लिए खूब सारे विकेट चटकाएंगे। दोस्तों इस बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर दें।